हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। ठीक, तो एवरेज स्पीड में हम लोग पढ़े थे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी पढ़े थे। चलिए आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलो, जैसे कि एवरेज स्पीड, स्पीड लिख दो और तुम इसको ऐसे कर दो एवरेज। ठीक, और पढ़े थे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक पढ़े थे। चल, तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो पहले पढ़ते हैं कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो देखो, इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वी इंटू टी। ठीक, और दूसरी बात होती है टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी। ठीक, जहां एक्स क्या हो गया डिस्टेंस, x क्या हो गया डिस्टेंस, और t हो गया टाइम, v हो गया स्पीड। यह स्पीड का सेंस है यूनिफॉर्म स्पीड से, किसे? यूनिफॉर्म। अच्छा बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड जाता है कल पढ़े थे, या बोलो कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता हो, हर जगह बराबर हो। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे, तो लिख लो, लिख लिए। चलो, अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म हो फिर भी वही लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिलहाल लिखेंगे स्पीड यूनिफॉर्म। चलो, सपोज करो कोई पार्टिकल ए से बी चला गया। लिखना बंद कर दो। सपोज करो ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो ए से तो बी गया, लेकिन मान लो कि कुछ किया आपको वी वन स्पीड से टी वन सेकेंड के लिए। मान लो कुछ स्पीड गया वी वन स्पीड से, गया कितने समय के लिए? टी वन के लिए। फिर स्पीड चेंज कर दिया, मान लो कि कुछ वी टू स्पीड से गया टी टू सेकेंड के लिए, फिर चला कुछ और चला वी थ्री स्पीड से T3 सेकंड के लिए, और इस तरह से वो जाते जा रहा है, स्पीड लगातार चेंज कर रहा है और जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि यहां से यहां गया तो x1 डिस्टेंस था गया, यहां से जब यहां गया तो x2 डिस्टेंस तय किया, यहां से यहां गया x3 डिस्टेंस कवर किया, इस तरह से कर रहा है। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक, लिखना बंद कर दो, फिर समझो। कहां से कहां गया? ए से बी गया। कहां से कहां गया? ए से बी गया। तो यहां से आ गया वी वन स्पीड से टी वन सेकेंड के लिए, जिसमें कितना डिस्टेंस तय किया? एक्स वन। यहां से यहां गया वी टू स्पीड से टी टू समय के लिए, कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स टू। यहां से यहां गया वी थ्री स्पीड से टी थ्री समय के लिए, एक्स थ्री, एंड सो ऑन। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इन्हें पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स एन। एक्स एन का मतलब आगे जा ही रहा है लास्ट में, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हुआ? टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन टी एन। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी पढ़े एक्स इक्वल टू वी टी। क्या पढ़े? एक्स इक्वल टू वी टी। तो तुम एक्स वन को कह सकता है वी वन टी वन, एक्स टू को कह सकता है वी टू टी टू,
एक्स थ्री को कह सकता है वी थ्री टी थ्री वी एन टी एन बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट प्लस टी एन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब तुम सोचो कि अगर इक्वल इंटरवल हो, टाइम हो, जैसे मान लो यहां से यहां 2 सेकेंड, फिर यहां से यहां 2 सेकेंड, फिर यहां से यहां 2 सेकेंड, फिर यहां से यहां 2 सेकेंड, कुछ भी टाइम हो लेकिन इक्वल हो। मान लो कि यहां से यहां 4 सेकेंड, 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 यानी कि टाइम का इंटरवल क्या हो, इक्वल हो। जैसे इफ मोशन टेक्स प्लेस फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसके लिए हो, टाइम बराबर हो, टाइम क्या हो, बराबर हो, यानी कि T1 जो होगा T2 हो जाएगा, T3 हो गया, T4 हो जाएगा, ये सब बराबर है, T से टाइम का इंटरवल बराबर है, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, V1 T, V2 T, V3 T, डॉट 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 बी एन टी डिवाइड बाई टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, ठीक है। इसके बाद तो ऊपर लिखेगा, अभी लिखना मत समझो, इसका मतलब हुआ इसके बाद कंटिन्यू। हाँ तो देखो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री क्या लिखे, बोलो तो लिखेंगे वी वन प्लस वी टू प्लस बी थ्री डॉट 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 प्लस बी एन बाई एन। ये हो गया एवरेज स्पीड, क्या हो गया एवरेज स्पीड, लिखो पहले लिखो, लिख लिया। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान देगा, कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि यहां से यहां ए और बी है, ए और बी है, यहां से ए और बी है, मान लो कि चला 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड के लिए, फिर चला 6 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड के लिए, फिर चला 8 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, क्वेश्चन एवरेज स्पीड क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। आंसर, आंसर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ये टाइम का इंटरवल बराबर है, टाइम का इंटरवल बराबर है, तो लिखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल स्पीड वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाई थ्री, 6 × 4 = 18/3, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता है, इससे आसान शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता है, जोड़ दो, लिख लो क्वेश्चन, लिख ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी जाना है, ऐसे भी जाना है, मान लो कि यहाँ चला 6 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, कुछ ही मान लो, यह भी 5 सेकंड के लिए, ये भी 5 सेकंड के लिए, चला ना, तो क्या होगा स्पीड, आंसर यही आएगा। कहने का मतलब है कि यहां इंटरवल 5 सेकंड का हो, 4 सेकंड का हो, 1000 सेकंड का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान देना है कि यह इक्वल होना चाहिए, ऐसी स्थिति में ये कर देंगे, ठीक। देखो इसको भी लिख लो समझने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हल्का मिक्स करते हैं। जैसे मान लो कि ए, चलो यह बी, सोचो
चार सेकंड के लिए चला, मान लो कि सिक्स मीटर पर सेकंड, फिर चार सेकंड के लिए चला एट मीटर पर सेकंड से, फिर आगे दो सेकंड के लिए चला छ मीटर पर सेकंड से, फिर आगे दो सेकंड के लिए चला मतलब कि एट मीटर पर सेकंड से, या ठीक है एट मीटर पर सेकंड से। अब बोल दिए तो बोल दिए, क्वेश्चन होगा कैलकुलेट एवरेज स्पीड, बनाओ पहुंच करो बनाओ। चलो अभी लाओ, देखो एवरेज स्पीड क्या हो, सिंपल सी बात है, यह ए है, यहां से यहां 6 मीटर पर सेकंड से, अगर तुमको समझ में आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा तो मुंह से बोल देगा, लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन चलो अभी बच्चा है, ये 4 सेकंड के लिए 8 मीटर पर सेकंड से, अब यहां देखो यहां से यहां 2 है, यहां से यहां 2 है, तो तुम यहां पर इक्वल इंटरवल है, तो यहां से यहां तक क्या होगा एवरेज, 6 जोड़ 8 बटे 2, दो का मतलब दो है, इसलिए 3 3 4 4, ठीक ये हो गया बी। अब देखो तो यहां से यहां 2 है, यहां से यहां 2 है, यहां से कितना हो गया 4, ठीक। फिर बोलो यह ए है, यह बी है, यहां से कितना हुआ 4 सेकंड, यहां से यहां 4 सेकंड, यह हो गया 4 सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 14, 7 मीटर पर सेकंड, ये भी होगी। तो एवरेज स्पीड जो होगा 6 जोड़ 8 7 बटे 3, 1 2 3 14 7 21 भाई 3 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ समझना नहीं, उतारो ठीक। चले हम लोग क्या पढ़े थोड़ी देर पहले, पढ़े हैं देखो ए से बी गया, यहां से एक्स वन डिस्टेंस तय किया वी वन स्पीड से टी वन सेकेंड में, एक्स टू डिस्टेंस तय किया वी टू स्पीड से टी टू समय में, एक्स थ्री डिस्टेंस तय किया वी थ्री सेकेंड में टी थ्री सेकेंड के लिए, इसको टी टू बोलते हैं। इस तरह से एक्स एन डिस्टेंस तय किया वी एन स्पीड से टी एन सेकेंड में, तो बताना है आपको एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम बताए कैसे, देखो वहां पर लिखा हुआ भी है वी वन टी वन, क्या लिखे बता दो, हाँ एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन बाई वी वन टी, अच्छा टी वन टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन बताए हैं, ठीक। तो यहां पर तीन ही बात हो सकता है, या तो डिस्टेंस बराबर हो, या स्पीड बराबर हो, या टाइम बराबर हो, ठीक। गुड, अब बताओ बाबू बी इंटू टी बार एक्स होता है, तो टी कितना होता था एक्स बाई बी, b इंटू टी बराबर क्या होता है x, तो t कितना होगा x बाई बी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना बता दो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स एन बाई t, को तुम लिख सकता है x बाई बी, तो लिखेंगे एक्स वन बाई वी वन, एक्स टू बाई वी टू,
एक्स थ्री बाई वी थ्री डॉट 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 एक्स एन बाई वी एन। लिखो इसको, ओके अब लिखना बंद कर दीजिए। पहले बताए थे कि टाइम बराबर हो, अब बताने जा रहे हैं डिस्टेंस बराबर। ठीक, इफ एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू इक्वल्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू इक्वल्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स से, ओके। तो अब बताओ एक्स प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट एक्स बाई एक्स बाई वी वन एक्स बाई वी टू एक्स बाई वी थ्री एक्स बाई वी एन योर एवरेज स्पीड हुआ। क्या हुआ? एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत? हाँ, अभी क्या बोले हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस हो। पहले क्या पढ़े थे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। अब क्या पढ़े हैं? इक्वल डिस्टेंस। ठीक, मतलब क्या हुआ समझो, पहले यह ए है यह बी है। लिखना बंद, लिख रही है, देख रहे हैं, यह एक्स डिस्टेंस तय किया कितना स्पीड से, वी वन से। एक्स डिस्टेंस कवर किया वी टू से, एक्स डिस्टेंस कवर किया वी थ्री से, एक्स डिस्टेंस कवर किया वी से, है ना? यानी कि यहां पर डिस्टेंस का वैल्यू क्या इक्वल। जैसे सोचो कि 2 मीटर चला 3 मीटर पर सेकंड से, फिर 2 मीटर चला 5 मीटर पर सेकंड से, फिर 2 मीटर चला 8 मीटर पर सेकंड से, तो आपका स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना ही है। ठीक, चलो तो क्या करेंगे बताओ, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एन टाइम्स है, टू एन टाइम्स, यानी कि एन एक्स डिवाइड बाई एक्स को मिल लेंगे, वन बाई वी वन, वन बाई वी टू, वन बाई वी थ्री, वन बाई वी एन। ठीक, एक्स एक्स कट जाएगा, तो जो आंसर आया बायो का शुरू तो हट ही जाता है, बायो वाला सा स्कूल हट ही जाता है। चल कौन जाएगा लफड़ा लेने के लिए, सर जी, तो इसको याद रखो, याद रखो या बनाओ या जो करना है करो, लेकिन समझ लो, उतारो इसको। लिख लिए, तो लिख लिए तो बनाओ क्वेश्चन। अब देखो, जैसे मान लो कि यहां ए से बी है, समझो कि यह 10 मीटर चला 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से, फिर अगला 10 मीटर चला 4 मीटर पर सेकंड से, तो बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है। हमेशा एगो कम लिखाता है ना स्पीड। देखो आंसर क्या होता बताते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगा, यहां से यहां देखो तो कितना है, 1 2, तो यहां देखो कि इंटरवल बराबर है तो 2 बाई 1/3 प्लस 1/4, कितना अच्छा आंसर आ गया। नहीं है क्या किए, एन एक्स बाई एक्स, तो एक्स कट ना गया था,
तो यहाँ कितना कितना डिस्टेंस है कोई से कोई मतलब नहीं है। और सोल्व कर देंगे तो 2 बाई एलसीएम हो गया 12, 4 प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 24 बाई 7 मीटर पर सेकेंड से इसको डिवाइड कर दो। देखो अगर मान लो यह ए था क्वेश्चन, यहां से बी है, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, ये 15 मीटर डिस्टेंस है या 15 मीटर डिस्टेंस है। क्वेश्चन फिर समझो, कोई पार्टिकल ए से बी गया, ए से बी गया, तो यहां से यहां गया कितना से, 4 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर, और यहां से यहां गया 5 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर, ठीक। तो बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड बताओ। चलो तो इसका भी ऐसा कुछ ऐसा ही होगा, यहां से यहां 15, यहां से यहां 15 है, तो इंटरवल दो ही है, 2 बाई 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 एलसीएम समझते ही है, 5 प्लस 4 बाई 20, यानी कि इसको सोल्व तुम कर सकते हो, 2 इंटू 20 बाई 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक, फ्रैक्शन में ये इसको तो पॉइंट पे ला सकता है, नहीं देखो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 40 बाई 9 मीटर पर सेकेंड, 4.444 मीटर पर सेकेंड। देखो लिख लिए, चलिए चले, अगर मान लो कि 3 है, ये ए है, ये है 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये 4 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से, 9 मीटर पर सेकंड से, तो क्या हुआ स्पीड लिख लेंगे, क्या जल्दी बोलो, 3 बाई और 1 2 3 1 बाई 4 1 बाई 3 1 बाई 9 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से समझ में आ गया। तो और पिछले सवाल देगा कि मान लो एक पार्टिकल है जो 4 मीटर के रेडियस से चलता है, पहुंचता है ए से बी घूमते घूमते, और टी इक्वल टू 9 सेकेंड में, क्वेश्चन है कोई पार्टिकल ए से बी गया कैसे करें 9 सेकेंड में, बताओ एवरेज स्पीड क्या जाएगा। बोलो इसे क्या समझना, स्पीड क्या बता दो, एवरेज लिखा गया कोई बात नहीं है, तुम लिखो या ना लिखो इस घेरा का मतलब होता है एवरेज, लिखा गया तो कोई बात नहीं, क्या करें लिखा गया, देखो क्या स्पीड बता दो, ए बी ये लंबाई, ये नहीं ये ऐसे कर दो, बाई टाइम कितना है टी, और ये कितना हुआ बता दो, मेरे ख्याल से तो ऐसे जोड़ो पूरा कितना एंगल बोलो 360 2 पाई रेडियन, तो देखो 360 में 2 पाई आर लेंथ होता, 360 में 2 पाई आर लेंथ होता तो 1 डिग्री में कितना होता 2 पाई आर बाई 360,
तो ये कितना है 270 ना है वो 270 डिग्री 2 पाई आर बाई 360 270 यानी कि 6 पाई आर बाई 4 तो अच्छा और कटेगा नहीं चलो 3 पाई आर बाई 2 3 पाई बाई आर सॉरी 2 और आर कितना होगा 4 मीटर है क्या ले दिया ये रेडियस हुआ रेडियस है गलत लिखा गया रेडियस 4 मीटर 4 6 पाई मीटर हो गया 6 पाई मीटर तो स्पीड कितना बताओ तो 6 पाई बाय टाइम कितना लगा था 9 सेकंड यानी कि 2 पाई बाय 3 सेकंड लिखो तो कोई भी सवाल दे डरने की जरूरत नहीं है कितना घुमाएगा बस लेंथ निकालना है तुमको लेंथ निकालना है अगर थोड़ा बनाया होगा तो नाइन्थ में भी हल्का हल्का प्रैक्टिस करना होगा खैर जो भी हो समझ में आ रहा है ठीक चलो अब पढ़ेंगे अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसा बोलो नॉन यूनिफॉर्म लिखो इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म ओके तो बता दो मान लो कि ये अगर v इज इक्वल टू क्या एफ टी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टाइम फंक्शन ऑफ क्या हो टाइम फंक्शन ऑफ टाइम तो इसको हम कह सकते हैं डी एस बाई डी टी एफ टी को या उससे अच्छा कि वी टी कहो अच्छा लगेगा क्या एफ टी मैथमेटिक्स का भाषा है फिजिक्स का भाषा है वी टी चल वी टी तो बताओ ds कितना हो जाएगा vt dt क्या हो जाएगा vt dt क्या होगा vt dt अच्छा तो एवरेज स्पीड क्या होता है बोलो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यानी कि dt का इंटीग्रल बाई dt का इंटीग्रल t1 से t2 ठीक तो हम बताए थे कि जहां भी नॉन यूनिफॉर्म हो वी यूज कैलकुलस किसका यूज करते हैं कैलकुलस का उतारो पहले लिख लिए अब तुम क्वेश्चन बनाओ तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे बनता है ठीक और हम तुम लोग डेली बोलते हैं इंटीग्रेशन अब नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हारी समस्या है इसलिए पढ़ लेना तब खूब मजा आएगा और नहीं तो नाक धकड़ो ना अपन नाक चलो क्वेश्चन इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल depends upon time h पहला v is equal to 2t plus 1 हल्का वाला देखें v is equal to 2t square plus 2 v is equal to the exponential याद है मुश्किल मार रहा है 2t प्लस वन मान लो माइनस वन ठीक चलो थर्ड वी इज इक्वल टू फोर ई टू टी प्लस वन आगे एक्सपोनेंशियल डरना मत कुछ
कुछ भी क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। माइनस टू टी प्लस फोर वो टी है, टी है, टी जो मन में आ गया आप क्या दे दो बोलो, तो अपने बोल ना साइन कॉस सब चलेगा। चलो टू साइन फोर्टी टी या टू पाई टी कर दो, टू पाई टी, ठीक ठीक है, ये भी कर सकता है साइन डाल दो, क्या रहा दो वो क्या रहता है 2 पाई टी। तो बता रहे हैं कि कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड इन टी जीरो जीरो से 1 सेकेंड, जीरो से 1 सेकेंड। तो बोले सवाल लिख, लिख लिया कौन बताओ, चलो सेकेंड, सेकेंड में क्या हुआ बोलो तो, वी इक्वल टू टू टी स्क्वायर प्लस टू, पहला स्टेप डीएस कितना होता है बाई डी टी, टू टी स्क्वायर प्लस टू, डी एस कितना होगा टू टी स्क्वायर प्लस टू डी टी, सही चल रहा है ना। अगर हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आसान है, तो टोटल डिस्टेंस एस 2t स्क्वायर प्लस 2 dt 0 से 1, तो सॉल्व कर लो, इंटीग्रल पढ़ाई है देर चिल्लाते हैं, 2t क्यूब बाई 3 और 2t 0 से 1, 0 से 1 अब इंटीग्रेट करो 2 बाई 3 टी क्यूब 1 क्यूब बाई 0 क्यूब 2, 1 by 0, 2 by 3 plus 2, यानी कि 3 6 8 by 3 meter per second, meter, 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 ये लिख लिया, तो तू फर्स्ट बनाना हो, तो बना लेगा, सेकेंड बना लेगा, और इसे एक्सपोनेंशियल है, तो कोई बात नहीं है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल ये बताए थे ना, जब बताए थे ना, जैसे कि मान लो कि एक बना लेते हैं ये लास्ट, ये सब इंटीग्रेशन खेल है, इक्वेशन कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन है। चलो सब मिटाते हैं, तुम लोग एक एक क्वेश्चन बनाएगा, एक क्वेश्चन बनाएगा, एक नहीं एक एक, यानी सब, जैसे कि एक और बता देते हैं, जैसे मान लो कि चौथे हैं और फोर नंबर बी है, फोर टू टी प्लस वन, फिर वही कहानी डी एस बाई डी टी, फोर टू टी प्लस वन डी एस कितना होगा बाबू, फोर टू टी प्लस वन डी टी। यहां से बच्चा सोचता है कि अब बाउंस कर रहा है, बोलो क्यों, जिसको इंडिकेशन नहीं है हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम डेली बोलते हैं इंजेक्शन बनाओ इंजेक्शन बनाओ, पता ना क्या दिक्कत है, और जो समस्या है तुम्हारी समस्या हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ाए हुए हैं, मेरा कोई गलती नहीं है। अपने डेट कर दो जीरो से वन, एस वन से एस टू कर दो, या एस जीरो से एस वन, शुरू से बाद में एस वन माइनस एस जीरो फोर, एक्सपोनेंशियल याद करो 2t प्लस 1 और t का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, सर जी बाउंस कर गया, तो बगुआ तुम घर तक जा करके और लेक्चर देखो इंटीग्रेशन, अपर लिमिट e के पावर 0 प्लस 1 सॉरी 1 है रे किसे करता है 2 प्लस 1
e के पावर 0 प्लस 1, फाइनली कितना हो गया 2 e के पावर 3 माइनस e के पावर 1 हो गया सर। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, क्या पढ़ेंगे वेलोसिटी। तो आपका होमवर्क कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है और वेक्टर का 3 लेक्चर। बाय।